खटाधुड़िये में सेना और मिलिटेंट्स के बीच हो रही फायरिंग में सेना के दो जवान शहीद। भड़ातुड़िया में आज सड़क को रखा गया बंद। हाँ दर्शकों, आपको बताते चलेंगे बीती रात से पाटाडुड़िया के नार खास गांव जंगल है कि जहाँ पे बीती रात से जो है भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ जारी है, जिसके दौरान इस इनकाउंटर के चलते जो जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे है उसको भी बंद कर दिया गया। भटवाल समुदाय के लोग जो कश्मीर से वापस अपने घरों को लूट रहे थे, आज भटाडुड़िया में फायरिंग के चलते उन्हें भी करना पड़ा परेशानियों का सामना। हम सर क्या कहेंगे, सुबह से जा रहे थे जी, तो घोड़े घोड़ों का सामान डाला था जी और आर्मी वालों रास्ते में रोक दिया गया जी। और आगे इनकाउंटर चल रहा है, वापस चल रहा डाल दिया, हमारे वापस चला गया तो यहाँ पे हमने देखा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा आज मेंढर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रावण का पुतला दहन किया गया। परंपरा तरीका से मेंढर के अंदर जिस तरह पूरे भारत में इसी तरीका के साथ मेंढर में भी दशहरे का त्यौहार मनाया गया है। हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल करके हमने दशहरे का प्रोग्राम किया है और ये एक आदेश है समाज के लिए, जब जब भी धरती पर जुल्म पाप भ्रष्टाचार बढ़ता है तब तब ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं उनका ये अंजाम होता है। मेंढर पर संदर्भ सभा के करवाए गए इलेक्शन, देविंदर कुमार टंडन को चुना गया सनातन धर्म सभा मेंढर का प्रधान। बिरादरी ने जो हमें सिर पर पगड़ी रखी है, बार सौंपा है, मैं समाज की बिल्कुल पूर्ण तौर पर सेवा करूंगा और आगे करता आया हूं, अभी भी करूंगा। और जितना भी जो हमारे जितने समाज है, हमारा अरनी से लेकर बंगलोई तक जितने भी जो लोग हैं सबकी सेवा, मैं अपनी मुस्लिम बिरादरी की भी सेवा बहुत करता हूं, लेकिन कोई इसमें शक की बात नहीं है, हम सब मिलकर सब साथ एक ही रहेंगे और इसमें अपना सिस्टम बनाएंगे। विजयदशमी के पावन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल राजौरी द्वारा प्राचीन शिव मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ की गई शस्त्र पूजा। विजयदशमी के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विजयदशमी का पर्व था जिसपे हमने शस्त्र पूजन का आयोजन किया था। हमारे शास्त्रों में शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी आप देवी देवताओं में से किसी भी आप देवी या देवताओं की प्रतिमा देखेंगे तो वो कभी भी शस्त्र के बिना नहीं होंगे। शस्त्र उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए ही उठाए थे और आज इस कलयुग में भी जब जब धर्म की हानि होगी तब हमें शस्त्र की आवश्यकता रहेगी।
बदरोमा DMGS वाई डिपार्टमेंट की ओर से बदरोमा की भेला तहसील में आज फ्लैग टॉपिंग का काम किया गया। शुरू मुकामी लोगों ने किया शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया करता हूं कि सर आप यहां पे आए हमारी इसी खुशी की घड़ी में। आज की हमारी खुशी की घड़ी है, हमारा ब्लैक टॉप होने जा रहा है सर। तो इसी के सर ये 2001-02 में सर ये एमजी नरेगा में ये रोड पहले से गई हुई थी और एमजी नरेगा में ही सर इसका काम चला था। फिर कुछ सालों के बाद सर ये R&B में चली गई। अब सर जब से हमारी सरकार आई, BJP की सरकार आई, दिलीप सिंह परिहार जी ने और हमारे सर यहाँ के लोकल जी हैं अंजील जी, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि नवरात्रों के पावन अवसर पर माता वैष्णो देवी का दरबार एक खास रोशनी और फूलों से सजाया गया। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर खीरी का किया दौरा और की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो, और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए।